बोनस की सीलिंग 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह के अनुसार 78 दिन के बोनस भुगतान मांग को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन मुरादाबाद मंडल ने लोकल की 5 शाखाओं के साथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय CEG प्रांगण पर गेट मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया। लोकल की 5 शाखाएं मंडल मंत्री कामरेड राजेश चौबे जी ने नेतृत्व तथा मंडल अध्यक्ष कामरेड मनोज शर्मा जी की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण पर भोजन अवकाश में एकत्रित हुई। नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन के कर्मठ सिपाहियों ने बोनस की सीलिंग 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह के अनुसार 78 दिन के बोनस भुगतान अविलंब किए जाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली। रैली में कार्यकर्ताओं ने बोनस की सीलिंग को बढ़ाए जाने तथा बोनस का शीघ्र भुगतान किए जाने के नारे लगाए। नारों की गूंज से पूरा प्रांगण गूंज उठा। रैली के बाद विशाल विरोध प्रदर्शन सभा में परिवर्तित हुआ। सभा को संबोधित करते हुए मंडल मंत्री कामरेड राजेश चौबे ने कहा कि ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन ने 1974 में बोनस की मांग को लेकर देश की सबसे बड़ी हड़ताल की, जिसका नतीजा है कि आज कर्मचारियों को समय से बोनस का भुगतान किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन ने समय समय पर बोनस की सीलिंग को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। उन्हें संघर्ष और आंदोलन की बदौलत 7,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 78 दिन के बोनस का भुगतान किया जा रहा है। सभा में मंडल मंत्री कामरेड राजेश चौबे, मंडल अध्यक्ष कंप्लीट मनोज शर्मा के अलावा मुख्य तौर पर सहायक मंडल मंत्री कुंवर सुहेल खालिद, AK सिंघल, शिवराज सिंह जी, दीपक यादव, मंडल उपाध्यक्ष मंजू विष्ट, खेमपाल सिंह, मोहित गुप्ता, शाखा मंत्री राजपाल सिंह, राकेश बलौदी आदि लोग मौजूद रहे। आज की जो ये मांग है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे रेल कर्मचारी हैं उनको पहले 7,000 की सीलिंग से बोनस दिया जा रहा है। हमारे तमाम साथियों का कहना है कि हम 7वें पे कमीशन में एंट्री कर चुके हैं और अभी तक हमको मात्र 7,000 की सीलिंग के आधार पर दिया जा रहा है, तो उसको 7,000 की सीलिंग समाप्त कर 18,000 हमारी जो बेसिक सैलरी है उसके आधार पर हमको 76 दिन की जगह 78 दिन का बोनस, ये हमारी डिमांड है। इसी को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर उनके द्वारा जो पत्र भी लिखा गया है रेलवे बोर्ड का, उसके अनुसार हमारी मांग है कि हम 18,000 की सीलिंग के आधार पर ही अपनी आज की तारीख में जो है बोनस हमको प्राप्त हो, जो प्रोडक्टिविटी लिंक के आधार पर होता है। हमारी रणनीति देखिए साफ तौर पर है, सरकार इस बात को लेकर थोड़ी सी अपनी संवेदनशीलता को जाहिर करे और ये जो जायज़ हमारी मांग है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की, इसको समझे और 18,000 बेसिक पे के आधार पर जो है हमारा जो बनना चाहिए प्रोडक्टिविटी लिंक के आधार पर बोनस को दे। अगर ये चीज़ें नहीं होती, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें एक असंतोषजनक स्थिति बनी हुई है और इसका जो पूरे आने वाले समय में इसका एक दूरगामी परिणाम यही हो सकता है कि हम आंदोलन को लेकर, इसकी बातों को लेकर आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और ऐसी स्थिति ना बने, यही हमारी अपील है सरकार से भी और प्रशासन से भी।